नमस्कार, अभिनंदन आभार, आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इससे पहले हमारी रीजनिंग की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का जो नाम है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, काउंटिंग फिगर। अगर बात करूँ हिंदी में तो इस टॉपिक का नाम है आकृतियाँ गिनना। बेसिकली इस टॉपिक से आपकी एग्जाम में एक से दो या इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। मतलब एक या दो क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, किससे? आकृतियां गिनना यानी कि काउंटिंग फिगर वाले टॉपिक से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, फिर हम इसके कुछ ट्रिक्स वगैरह देखने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें आपको जानना ये चाहिए, आप किसी भी टॉपिक को पढ़े तो आपको एक बार आइडिया ये होना चाहिए कि इसमें इस आपकी जो एग्जाम है उसमें इससे संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो किस टाइप के प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसमें टाइप्स की बात करें तो काउंटिंग फिगर में मेनली पहला जो टाइप आपका बनता है वो बनता है आयतों की गिनना से। किससे? आयतों की गिनना से, मतलब रेक्टेंगल्स की काउंटिंग से। रेक्टेंगल की काउंटिंग से आपके एक क्वेश्चन बन सकता है। वहीं आगे बात करूं तो दूसरा जो आपका प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है वर्गों की गिनना से। किससे? वर्गों से, मतलब स्क्वायर काउंटिंग से भी आपका प्रश्न बन सकता है। वहीं आगे की अगर बात करूं तो तीसरा आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजों की गिनना से भी आपका प्रश्न बन सकता है। किससे? ट्रायंगल से भी आपका प्रश्न बन सकता है। वही चौथा अगर मैं बात करूं तो आपका वृत्त से प्रश्न भी बन सकता है। वृत्त का मतलब आप सभी जानते हैं सर्किल, ठीक है, इससे भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो आपका पांचवा लाइन से भी प्रश्न बन सकता है यानी कि रेखा से भी आपका प्रश्न बन सकता है। देखिएगा, रेखा मतलब लाइन से भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो मेनली अगर मैं बात करूं काउंटिंग फिगर की तो आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपके पांच प्रकार के आपके प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मोस्टली अगर मैं बात करूं तो हर किसी एग्जाम में, आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादातर जो चांस होते हैं वो होते हैं त्रिभुजों की काउंटिंग से, मतलब ट्राइंगल की काउंटिंग से। 50% चांस रहता है कि इस वाले पार्ट से आपका प्रश्न बन के आए। पर अगर इससे भी नहीं आता तो अगर हम बात करें आगे तो आपकी 20% चांस होते इनके, मतलब 20% आपके आयतों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20% आपके वर्ग से प्रश्न पूछे जाते हैं। 5% जो आपका चांस होता है वो वृत्त का होता है, तो 5% चांस आपका लाइन का होता है। तो मेनली अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको त्रिभुजों की काउंटिंग, वर्गों की काउंटिंग, आयतों की काउंटिंग, अगर ये पार्ट भी आपका क्लियर है तो आपके क्वेश्चन ज्यादा बनने की आवश्यकताएं हैं। आपके ज्यादा चांस है कि आप जो ये एक से दो प्रश्न पूछे जाएंगे इनको आप कवर कर पाए। बाकी वृत्त और रेखा जो है इनमें आपको ज्यादा चीजें समझने की आवश्यकताएं नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल इजी चीज है। आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी आप इन चीजों को काउंट करके आप लोग इन्हें बता सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। आयतों की गिनना। आयतों की गिनना हम सीखने वाले हैं, तो सभी लोग पहली हेडिंग डाल लेंगे आयतों की गिनना, मतलब रेक्टेंगल काउंटिंग। रेक्टेंगल काउंटिंग आप हेडिंग डाल लें, मतलब आयतों की गिनना आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में और चीजें भी हम सीखने वाले हैं, पर सबसे पहले आप आयतों की गिनना हेडिंग डाल लीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने तीन छोटे छोटे फिगर बनाता हूं, मैंने एक फिगर बनाया ए, इसमें मैंने आपसे पूछा बताइएगा इसमें आयतों की संख्या कितनी है। एक बनाया मैंने बी, ये वाला बनाया, एक मैंने बनाया सी, एक मैंने क्या बनाया आपका सी बनाया, और मैंने आपसे पूछा कि बताइएगा इनमें आयतों की संख्या कितनी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पहले वाले में आयतों की संख्या कितनी है, पहले वाले में आयतों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे ए वाले में आयतों की संख्या है वो कितनी दिख रही है मेरे भाई आपको, ए वाले में आपको एक आयत दिख रहा है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं।
पर अगर मैं कहूं कि बताइएगा बी वाले में कितने आयत बन रहे हैं, तो आप हो सकता है कि काउंट करके बता दे, आप हो सकता है कि काउंट करके बता दे। पर इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आयत होता क्या है। आयत एक ऐसा फिगर होता है जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, आपकी इक्वल होती। आमने सामने की जो भुजाएं होती है आपकी इक्वल होनी चाहिए, तो उसे हम आयत कहते हैं। तो आपके पास ए वाला डायग्राम है, उसमें आपने कहा कि सर हमारे पास में एक डायग्राम था, तो हमने बता दिया कि इसमें एक आयत है। अब दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो आपको चार आयत तो सीधे सीधे दिख रहे, एक दो तीन और चार, चार आयत तो आपको सीधे सीधे दिखे। अगर मैं पांचवा आयत आपको कहूं तो एक आपका एक और दो को मिला के। अगर मैं सिंगल वालों की बात करूं तो आपके पास चार है। अगर दो दो वाले आयतों की बात करूं तो आपके पास में एक आयत, तो कौन सा है मेरे भाई, एक। तो आपके पास में ये वाला है एक और दो को मिला के, एक आपका तीन और चार को मिला के है, एक आपका एक और तीन को मिला के है, तो एक आपका दो और चार को मिला के। तो चार अपने आयत ऐसे हैं जो दो दो आयतों से मिलकर बने हैं, एक आयत चार आयत अपने ऐसे हैं जो सिंगल बने हैं। इसके अलावा आपको एक आयत और दिख रहा है जो चार से मिलकर बना है, कौन सा, एक दो तीन और चार। तो एक आयत ये है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें कितने आयत है, नौ आयत है। इसमें कितने आयत है, नौ आयत है। पर मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि क्या आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं क्या, अगर मैं आपसे सी वाले डायग्राम पे जाने के लिए कहूं तो आपको सी वाले के डायग्राम में अब हो सकता है कि इसे निकाल ले, पर आपको इतना समय लग जाएगा जितना समय आपके पास एग्जाम में नहीं होता है मेरे भाई। तो देखिएगा, अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालना चाहें, एक तो आप ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, एक आपको क्या करना है कि इनमें इंडिविजुअली नंबर्स देने, आपको क्या देने हैं मेरे भाई, नंबर्स देने। अब नंबर्स कैसे देने हैं आपको, आपने एक और दो दिया, इस साइड एक और दो दिया, आपको क्या करना है, इस साइड भी क्या देना है, दो देना है। अब सीधा सीधा आपको इस एक और दो को जोड़ना है, इस एक और इस दो को जोड़ना है, एक प्लस दो किया हमारे पास कितने बना, तीन बना। इस साइड भी हमने किया एक प्लस दो, कौन सा वाला, ये एक प्लस दो, मतलब जो रो में है उनको भी जोड़ना आपस में, जितनी पंक्तियां हैं उसको भी जोड़ना है। तो ये भी आपके पास तीन बन गया, ये भी आपके पास तीन बन गया। आप इस तीन को, आप इस तीन को गुणा करेंगे इस वाले तीन के साथ में, तो जब हमने तीन को गुणा तीन के साथ में किया तो अपने पास में नौ आयत आ गए, जो यहाँ पे भी अपने पास क्या थे, नौ थे। तो हम अब ऐसा झंझट नहीं पालेंगे, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, नंबर्स देंगे। और एक दो तीन, एक दो तीन का जोड़ क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लस दो प्लस तीन हमने किया, इनका टोटल आ गया मेरे पास में कितना, छह। मैं इस साइड भी नंबर्स दूंगा, एक दो और तीन, इनका भी जोड़ किया तो मेरे पास में आ गया छह। अब मैं इस छह को गुणा कर लूंगा, इस छह को इस वाले छह से अगर मैं गुणा करता हूं तो मेरे पास में बन जाता छत्तीस। और इस वाले डायग्राम में आयतों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 36, जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा क्या ये चीज क्लियर है क्या आपकी, कि अगर आपको आयतों की काउंटिंग पूछी जाए सीधी सीधी तो आप बता सकते हैं क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताना ये है कि इस वाले आयत में कितने आयत है, आपको बताना है कि इस वाले आयत में कितने आयत है। ये लीजिएगा, आपको आयत इसमें बताने, आयत आपको इसमें बताने हैं कि इसमें कितने आयत है। अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले डायग्राम में कितने आयत है, आप कह रहे होंगे सर ये वृक के जैसा दिख रहा है, तो हम इसे वृक के जैसा ना दिखा के ये लीजिए मेरे भाई, मैंने इसको क्या बना दिया, आयत बना दिया। आपको मैंने पूछा बताइएगा इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी, आप क्या करेंगे, सीधे सीधे नंबर्स दे देंगे। आप क्या करेंगे मेरे भाई, सीधे सीधे नंबर्स दे देंगे। हमने दिया एक दो तीन और चार, हमने इन सबको जोड़ दिया, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार। जब हमने इन सबको जोड़ दिया तो इन सबका टोटल क्या आ गया मेरे पास में, दस आ गया मेरे भाई। अब इस साइड भी मैं नंबर्स दूंगा, एक दो तीन। अब मैं इस साइड एक प्लस दो प्लस इस वाले को भी ऐड करूंगा, ये बन गया मेरे पास में छह, ये बन गया मेरे पास में दस।
मैं इस 6 को किसके साथ गुणा करूंगा, इस 10 के साथ गुणा करूंगा, तो मेरे पास में जो आयतों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 10 आ गई। तो बताइएगा क्या ये चीज क्लियर है क्या आपकी, कि हमने इस वाले फिगर में आयत कैसे निकाले, बताइएगा। अब हम चलते हैं थोड़े एक्स्ट्रा इसके क्वेश्चन की ओर। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास आयत तो यही है, मेरे पास में आयत तो यही है, पर मैं इसमें कुछ और चीज ऐड कर देता हूं। और चीज मैंने क्या ऐड की, देखिएगा यहाँ पे मैंने इसमें ऐड की कि अब बताओ आपको इसमें आयतों की संख्या बतानी है, और मैंने इसमें ऐड कर दिया ये वाला एक सिस्टम, एक मैंने ये वाला सिस्टम ऐड कर दिया। तो आपसे पूछा कि आयतों की संख्या कितनी है, तो एक बार आप सभी लोग बताने की कोशिश करें कि इसमें आपके आयतों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है मेरे भाई कि जो आपका ये रेड वाला है फिगर है, इसमें आपने निकाला कि इनका सबका टोटल 10, इन सबका टोटल 6, और हमने इस 6 को गुणा किया इस 10 से, तो हमारे पास कितने आयत बन गए, 7 आयत बन गए जो अपने पास में यहाँ पे थे। अब अपने पास में एक चीज ये ऐड हुई है, तो मेरे को सबसे पहले आप ये बताइएगा कि एक आयत तो ये क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, तो एक आयत अपने ये ऐड कर लिया, 61 अपने पास में अपने को दिख गए। अब मेरे को ये चीज बताइएगा क्या इसके ऐड होने से इस वाले फिगर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल जी हाँ सर, इसमें बिल्कुल फर्क पड़ेगा। एक आयत तो आपका ये वाला बनेगा, एक आयत आपका ये वाला बनेगा, एक आयत आपका इन तीनों से मिलके बनेगा, एक आपका इन चारों से मिलके बनेगा, एक आपका इन पांचों से मिलके बनेगा। तो आप सीधा सीधा ये कहेंगे कि इस वाले बॉक्स के जुड़ने से हमारे पास यहाँ पे कितने आयत बन रहे, 1, 2, 3, 4, 5। आप सीधे सीधे इन बॉक्स को काउंट कर लीजिएगा, जब हमने इस बॉक्स को काउंट किया तो ये बॉक्सों की संख्या थी 5, और अपने पास इस साइड कितने थे, 60 थे। इस एक को भी हमने इस 5 में काउंट कर लिया, तो आप इस एक को भी यहाँ से हटा सकते हैं मेरे भाई। अब आपके पास में 60 आयत तो है इस रेड वाले बॉक्स के, और इसको ऐड होने से आपके पास 5 और हो गए। तो हमने क्या किया, इस 60 में प्लस किया 5, तो मेरे पास में बन गया 65, जो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताएगा क्या ये चीज क्लियर है क्या सबकी, कि अपने पास 65 आयत आए जो कैसे आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन सोचने और समझने की कोशिश करें कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है, इसमें आयतों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। देखिएगा आपके पास में एक आपको लाइन ये दी है, ये थोड़ी उल्टी लाइन हो गई है, एक लाइन आपको ये वाली दी है, एक लाइन आपको ये वाली दी है, आपको बीच में से एक लाइन ये दे दी, एक लाइन ये दे दी, एक आपको ऐसे दे दी, एक आपको ऐसे दे दी, और आपको कहा गया कि बताइएगा इस वाले फिगर में आयतों की संख्या कितनी होगी। आप क्या कहते हैं मेरे दोस्त, कि जब आपको पता है कि इस वाले बॉक्स की हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, इस वाले बॉक्स की तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं सर, हम इसमें नंबर्स देंगे, हम इसमें नंबर्स देंगे और इन सबका जब हम टोटल करेंगे, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5 कितना हो गया, 15 हो गया सर। इस साइड देखिएगा 1, 2, 3 हमने जब इनको ऐड किया, 1 + 2, 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6। हमने इस 15 को गुणा किया किससे, इस 6 से गुणा किया, तो अपने पास में कितना हो गया, 15 × 6 = 90, 15 × 6 = कितना हो गया, 90 हो गया। अब मेरे दोस्त 90 आपके जो आयत बने वो इस वाले बॉक्स के बने। अब आप मेरे को ये बताइएगा कि क्या इसके ऐड होने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, तो आप कहेंगे कि जी हाँ इसमें बिल्कुल फर्क पड़ रहा है, और ये चीज हमने देख ली है। तो हम सीधे सीधे इस बॉक्स के सामने वाले काउंट करेंगे, 1, 2, 3 और 4, हम ऐसे नंबर्स देंगे और इनको काउंट करेंगे, तो 4 इनमें, इनको आपस में जोड़ना नहीं है, आप सीधे सीधे 1, 2, 3, 4, और इस लास्ट में जो नंबर आ रहा है वही आपको इसमें जोड़ना है। 90 प्लस यार कितना है, 94 है, यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा क्या ये चीज क्लियर है कि आप सभी की, कि इसमें जो 94 आयत आए वो कहाँ से निकल के आपके पास में। चलो नेक्स्ट थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन समझने की कोशिश करें और बताने की कोशिश करें कि इसमें कितने आयत है आपके पास में, इसमें कितने आयत है आपके पास में, इसको बताने की कोशिश करें। लीजिएगा दोस्त एक बार, सभी लोग फटाफट से बताइएगा कि इसमें कितने आयत है,
और मैंने इसमें दे दिए आपको चार बॉक्स, और चार बॉक्स के बाद में मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया। लीजिएगा तो बताइएगा कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है, इसमें आयतों की संख्या कितनी है। एक बार सभी लोग फटाफट से इस चीज का जवाब देंगे कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है, इस वाले बॉक्स में आयतों की संख्या कितनी बताइएगा। तो मेरे दोस्त आपको पता होगा कि हम इन दोनों को हटा के काउंट करें तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं मेरे भाई। एक दो तीन और चार, इन सबका टोटल हो गया दस। एक दो तीन और चार, इन सबका टोटल कितना हो गया दस। मतलब इस दस को गुणा में इस वाले दस के साथ करूंगा तो मेरे पास में 100 आयत तो हमारे पास में ये सेप वाले आ गए इस वाले बुक्स के। इन दोनों को अभी हमने कुछ नहीं किया है। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला बॉक्स नहीं होता तो आप क्या करते, तो आप कहते सर हम इनमें नंबर देते एक दो तीन चार और पांच, यहाँ पे लास्ट संख्या पांच है तो प्लस हम पांच कर देते। अब मैंने कहा कि मैंने आपके सामने एक बॉक्स और ऐड कर दिया, एक बॉक्स और ऐड कर दिया, तो आप कहेंगे कि हमने भी एक बॉक्स ऐड कर दिया तो हम इसमें भी नंबर दे देंगे, लास्ट वाला डिजिट पांच है तो हमने इसमें भी पांच ऐड कर दिया तो हमारे हिसाब से सर 110 हो गए। क्या बताइएगा, ये 110 सही है क्या? बिल्कुल ये 110 आपका सही नहीं है, क्योंकि आपने इस वाले के भी काउंट कर लिए तो इस वाले के भी काउंट कर लिए। अगर एक चीज ये बताइएगा, क्या ये वाला आयत भी बनेगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल बन सकता है हमारा ये वाला आयत भी। तो देखिएगा, आपका एक आयत ये वाला बनेगा, एक आपका ये बनेगा बड़ा वाला, एक आपका ये बनेगा तीन, एक फिर से आपका बड़ा वाला चार, एक फिर सबसे बड़ा वाला। तो दोस्तों पांच आपके इन दोनों को मिला के भी पांच और बन रहे हैं, तो 110 प्लस और पांच किया तो हमारे पास 115 आयत हो गई, जो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों क्या ये चीज क्लियर है क्या कि 115 कैसे आए? सबसे पहले हमने 100 निकाल लिए, इन सबको जोड़ा 10 आया, इन सबको जोड़ा 10 आया, 10 को हमने गुणा किया 10 से, 100 आयत अपने पास में आ गए। पांच हमारे पास इस वाले बॉक्स के इसके एड होने से हुए, पांच हमारे पास इसको एड होने से हुए, पांच इन दोनों को मिला के नए और बन रहे हैं, तो पांच आपके ये वाले होके पांच थी, 15 होके इधर 100 में ये गया, तो 115 आयत अपने पास में यहाँ से निकल के आ गए। बताइएगा कि ये चीज क्लियर है क्या कि आयत हम निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा और फटाफट से आंसर देने की कोशिश करें कि इसमें आप आयत बता सकते हैं क्या। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये आपके पास में एक डायग्राम है और मैंने कहा कि आप बताइएगा इसमें आयतों की संख्या कितनी है, इस वाले बॉक्स में आयतों की संख्या कितनी है ये आपको बताना। आप कहेंगे कि सर हमें पता है कि इस वाले बॉक्स के हम निकाल सकते हैं। मैं कहूंगा निकाल लीजिए मेरे भाई, एक दो तीन इनका टोटल हो गया छः, एक दो तीन इनका टोटल हो गया छः, हमने छः को गुणा किया किससे, छः से, तो ये अपना बन गया 36। अब हमें ये पता है सर कि अबद ये वाली चोटी इसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा ये वाला ऐड हो रहा है, तो एक दो तीन चार अपने पास में ये वाले हो गए, इसके बाद में सर एक दो तीन चार अपने ये वाले हो गए। और सर हमने इसे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में ये देखा है कि सर जब दो वाले ऐसे बनते हैं तो एक और इनका दो, एक इनका तीन और एक इनका चार नए और बन जाते हैं, तो मतलब 36 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ये बन गए। अब एक चीज आपकी और बाकी रह गई मेरे दोस्त, और वो क्या बाकी रह गई आपकी, ये वाली एड है, तो आप सीधा एक दो तीन और चार आपके ये हो गए मेरे भाई। देखिएगा चार चार आठ, आठ और आठ कितना होता है 16, और जब हमने 36 में प्लस किया कितना 16, तो ये बन गया कितना आपका 54, कितना बन गया 52 बन गया, ठीक है। छह और छह कितना हो गया 12, हासिल का एक, एक और एक दो, दो और तीन पांच, 52 आयत इसमें है, जो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, वो इसमें आपको बताने हैं आयतों की संख्या कितनी है। इन क्वेश्चंस में आपको आयतों की संख्या बतानी है कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है। लीजिएगा क्वेश्चन नंबर ए और इसके अलावा बी, ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं और इनका जवाब आपको बताना है। किसी को नहीं समझ में आया तो आप डाउट सॉल्विंग में जाके इसका आंसर आप मांग सकते हैं।
ये दो डायग्राम है और इनमें आपको बताने हैं कि आयतों की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने कहा कि जब आप काउंटिंग फिगर पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपके आयतों के बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपके किसके बनते हैं, वर्गों से बनते हैं, स्क्वायर से बनते हैं। तो आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, स्क्वायर काउंटिंग या वर्गों की काउंटिंग आप हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या डाल लीजिएगा मेरे भाई? स्क्वायर काउंटिंग आप हेडिंग डाल लीजिएगा, मतलब वर्गों की काउंटिंग हेडिंग डाल लें आप। ठीक है, क्या काउंट करने वाले हैं अपन? वर्ग काउंट करने वाले। इससे पहले हम क्या काउंट कर रहे थे? आयत काउंट कर रहे थे। हमने देखा दोस्त कि आयत जो होते हैं उनकी सामने आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है, पर वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? इक्वल होती, समान होती, सेम होती। इसकी चारों भुजाएं क्या होती है? इक्वल होती, सेम होती, समान होती है। जैसे एक इस वाले की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो सभी की लंबाई क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये क्या होता है? आपका वर्ग होता है। अब अगर मैं बेसिक से वापस चलना चाहूँ कि वर्गों की काउंटिंग भी हम बेसिक से सीखना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आपके पास में एक ही है, ये चारों इक्वल है। आप ऐसा ना सोचें कि सर ये बड़ा छोटा कैसे है, तो ठीक है आप इन्हें वर्ग ही माने, आप इन्हें क्या माने? वर्ग ही माने और वर्ग के हिसाब से ही काउंट करें दोस्त। ठीक है, आपके पास में मैंने डायग्राम ए, डायग्राम बी, डायग्राम सी बनाया है। और बताइएगा, मैंने आपसे पूछा कि इस ए वाले डायग्राम में कितने आपके पास वर्ग है, तो आप कहेंगे कि सर हमें दिख रहा है एक डायग्राम है, इस एक वर्ग है, इसमें किसमें है? आपके ए वाले में, क्योंकि हमें एक इसमें दिख रहा है। दूसरे वाले में बताइएगा, तो दूसरे वाले में कहेंगे सर 1, 2, 3 और 4, तो ये हो गए। इसके बाद में क्योंकि ये वाला होगा नहीं, क्योंकि आय तो जाता है आमने सामने की भुजाएं इक्वल एक इसकी होगी, तो एक ही हो जाएगा, तो 5 इसमें हो जाएगा। अब क्या आपने इसमें काउंट किया? कैसे आप इसमें भी काउंट करेंगे क्या? तो जी हाँ दोस्तों, इसमें हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो इतना इजी भी नहीं बन सकता। हो सकता है आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए वो थोड़ा और ज्यादा बड़ा बन जाए, थोड़ा और ज्यादा बड़ा बन जाए, तो आप उस कंडीशन में ये काउंट नहीं कर सकते मेरे भाई। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को काउंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या ट्रिक है अपने पास में? आपको क्या करना है मेरे दोस्त? सबसे पहले आपको सीधे सीधे इनमें जाना है और इनमें नंबर्स देने हैं। जैसे अपन नंबर्स दे रहे थे वैसे वैसे आपको नंबर्स देने हैं। जैसे हमने 1 और 2 नंबर दिया, इस साइड भी 1 और 2 नंबर दिया। अब क्या करना है आपको? दूसरा स्टेप ये है कि इस 2 को इस 2 के साथ क्या करना है? गुणा करना है। इस ये तो आपका मेथड नंबर कौन सा था? 1। ये तो आपका मेथड नंबर 1 था, जो आपका पॉसिबल नहीं है। अगर मेथड नंबर 2 पे चलूं मैं, तो आपको क्या करना है दोस्त? नंबर्स देने, इस साइड भी जितने लाइनें हैं उतने नंबर्स देने हैं, इस साइड भी नंबर्स देने हैं, और जो लास्ट वाली संख्या उसको लास्ट वाली संख्या से गुणा करना है। तो हमने 2+2 किया, अपने पास 4 बना। फिर अपने पास में एक ही है, तो इस एक को गुणा करेंगे एक के साथ, तो अपना एक ये बन जाएगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो अपने पास में क्या बन जाएंगे? इसमें 5 वर्ग बन जाएंगे। देखिएगा डायग्राम नंबर 3 में, अभी हो सकता आपको समझ में नहीं आया, तो अभी देखिएगा 1, 2 और 3, इस साइड भी 1, 2 और 3। आपको क्या करना है? इस 3 को क्या करना है? इस 3 के साथ गुणा करना है, तो 3 को गुणा किया 3 के साथ 9। इस 2 को गुणा किसके साथ करना है? इस 2 को गुणा करना है आपको इस 2 के साथ में, तो 2 के साथ गुणा किया तो ये बन गया आपका 4। और इस 1 को गुणा किसके साथ करना है? 1 के साथ करना, तो ये आपका हो गया 1। तो जब हमने 9+4 किया 13, 13+1 किया, तो आपके पास में 14 बन गया। तो आपके इस वाले में कितने आए थे मेरे दोस्त? कितने वर्ग है मेरे दोस्त? इसमें 14 है। अब देखिएगा, हमने ये वाला लिया था क्वेश्चन कि इसमें कितने, तो हम सीधे सीधे इसमें नंबर्स देंगे। 4 नंबर्स इसमें हमने ऐसे दे दिए, 3 हमने ऐसे दे दिए। सबसे पहले हम इस वाले के लास्ट में जाएंगे, 4 है। इस वाले के लास्ट में गए, 3 है, तो हम क्या करेंगे? 4 × 3, ये कितना हो गया? 12। चलिएगा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कीजिएगा, इस 2 को गुणा करेंगे इस 3 के साथ, तो ये 2 × 3, ये हो गया आपका 3 × 2, तो ये कितना हो गया आपका? 6। आगे देखिएगा, आगे आपके पास में बचा क्या? इस साइड 1 बचा, इस साइड 2 बचा, तो आप इसको गुणा करेंगे, इस साइड हो गया आपका 2, इस साइड हो गया 1, तो ये बच गया 2। मतलब आपको नंबर्स लिख रहे, आपको 4 × 3 करना, फिर इससे छोटी वाली संख्या, फिर इससे छोटी वाली, इससे छोटी वाली, इससे छोटी वाली,
जहां कहीं भी आपको एक दिख जाए वहीं पे आपको ये कैलकुलेशन दो देनी है और इन सबको आपस में जोड़ देना है। देखिएगा दोस्त, 12 प्लस 6 किया 18, 18 में 2 ऐड किया तो आपके पास क्या बन गया 20। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कितने वर्ग है, कितने स्क्वायर है मेरे दोस्त, 20 स्क्वायर इस वाले फिगर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है और फटाफट से बताना है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है, वर्गों की संख्या आपको बताना है। लीजिएगा दोस्त, इसमें आपको बताने वर्गों की संख्या कितनी है। एक बार सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे तो बताएंगे कि इसमें वर्गों की संख्या मतलब स्क्वायर्स की संख्या कितनी है ये आप लोगों को बतानी है। देखिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सीधे सीधे हम नंबर देंगे 1, 2, 3, 4 और 5, हमने एक साइड लिखा 5 गुणा 1, 2 और 3, ये एक साइड लिखा हमने 3, ये हो गया 15। इसको छोड़ दीजिएगा 4, 5 से छोटी संख्या 4, इस साइड 3 से छोटी संख्या 2, ये हो गया 8, वही 4 से छोटी संख्या 3, 2 से छोटी संख्या 1। और हमने ये कहा है मेरे दोस्त कि जहां कहीं भी एक मिल जाए आपको वहीं पे कैलकुलेशन क्या कर देनी है, आपको रोक देनी है। हम जब आगे करेंगे 15 प्लस 8 क्या 23, 23 प्लस 3 किया तो अपना क्या बन गया 26, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल 26 हो जाएगा। इस वाले फिगर में कितने वर्ग है आपके, कितने स्क्वायर है, 26 स्क्वायर है, 26 स्क्वायर है। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और इसी को थोड़ा एडवांस क्वेश्चन बनाता हूं मैं, इसी को थोड़ा एडवांस क्वेश्चन बनाता हूं और आपको बताने हैं कि इसमें स्क्वायर्स की संख्या कितनी है। देखिएगा मेरे दोस्त, आपको ये तो दे रखा है, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ये ऐड कर देता हूँ तो अब आपको बताना है कि इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इस वाले के आयत वर्ग आप निकाल लेंगे, इसमें कितने वर्ग है ये निकाल लेंगे, 5 × 3 आपका हो गया 15, इससे छोटी वाली संख्या 4, इससे छोटी वाली संख्या 2, इससे छोटी वाली 3, इससे छोटी वाली 1, और हमने जब इनको ऐड किया तो ये बन गया 26। अब 26 तो आपके कौन से हो गए मेरे प्यारे भाई, 26 मेरे दोस्त आपके ये वाले हो गए, 26 तो आपके ये वाले हो गए। अब देखिएगा, एक ये वाला एक्स्ट्रा है आपके पास, एक्स्ट्रा है तो क्या बताइएगा, एक आपके पास ये है क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ अपने पास में एक है। अपने पास अभी तक 27 अपने को मिल चुके हैं, अब इसके ऐड होने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, तो आप कहेंगे कि सर अगर ये आयत होता तो हम ये वाला भी काउंट करते, पर ये आयत नहीं है तो इस वजह से आपका एक्स्ट्रा वाला एक ही ऐड होगा। तो आपके 26 प्लस 1 कितने वर्ग है, इसमें 27 वर्ग है, बताइएगा क्या ये चीज क्लियर है, क्या आप सभी लोग बताइएगा ये चीज क्लियर है क्या, कि 26 प्लस 1 जब हम कर रहे हैं तो आपके पास में कितने वर्ग बन गए, यहाँ पे 27 बन गए। जो आपको कहीं भी ऑप्शन 27 दिखे उसी ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 27, 27 आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा और बताइएगा कि इसमें कितने हैं, ये वाला डायग्राम देखिएगा और इसमें आपको बताना है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी बताइएगा। एक बार सभी लोग फटाफट से बता दीजिएगा कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त, इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। आप कहेंगे इसे हम सबसे पहले इस वाले के आयत निकालेंगे, सॉरी वर्ग निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, हमने सबसे बड़ी संख्या 4 लिखी, 1, 2 और 3, इस साइड हमने लिखा क्या 3, ये हो गया कितना आपका 12, इससे छोटी वाली संख्या 3, इससे छोटी वाली 2, ये हो गया आपका 6, इससे छोटी वाली 2, इससे छोटी वाली 1, मतलब ये हो गया 2, मतलब हमने जब इनको ऐड किया तो ये बन गया आपके पास में 20, मतलब 20 स्क्वायर तो आपके कौन से हैं, इस व्हाइट वाले बॉक्स के अपने को मिल चुके। अब बताइएगा, एक आपका ये है, एक आपका ये है, तो एक ये मतलब दो आप ये और ऐड करेंगे तो आपके पास 22 हो गए। पर जी हाँ दोस्तों, 22 तो हमारे पास हो गए, पर एक चीज आपने छोड़ दी कि आपने ये भी काउंट कर लिया, ये भी काउंट कर लिया, पर एक और नया वाला बन जाएगा ये वाला आयत, तो आपको 2 + 1 करना है, मतलब आपके इसमें स्क्वायर कितने हो गए, 23 हो गए। इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो गई मेरे दोस्त, 23 हो गई। तो जहां कहीं भी आपको 23 दिखे वही क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, बताइएगा क्या ये चीजें क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं हम, कि इसमें आपके वर्गों की संख्या कितनी है, इसमें आपके
वर्गों की संख्या कितनी है आपको बताना है वर्गों की संख्या। देखिएगा दोस्त, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पास सेपरेट बॉक्स कौन सा है, ये वाला, एक दो तीन, एक दो तीन, इस तीन को गुणा करेंगे इस वाले तीन से और ये हो गया नौ, इस तीन से छोटी वाली संख्या दो, इससे छोटी वाली दो, ये हो गया चार, इससे छोटी एक, इससे छोटी एक और ये हो गया आपका एक। नौ प्लस या तेरह, तेरह प्लस एक या चौदह वर्ग अपने पास व्हाइट वाले बॉक्स के आ गए। एक अपने पास ये आ गया पंद्रह, एक ये आ गया सोलह, सोलह के बाद में दोस्त देखिएगा एक ये मेरे भाई सत्रह, सत्रह के बाद में एक इस साइड और अलग है तो एक ये हो जाएगा, तो अपने पास इसमें कितने हो गए अठारह हो गए। कैसे हो गए, चौदह आपके पास है, चौदह के बाद में आपके पास सिंगल वाले जो नए पार्ट है एक दो तीन, ये तीन तो आपको ऐड करना है, इसके अलावा एक आपके पास और बचा हुआ है और वो बचा हुआ कौन सा है, ये वाला। तो आप इस ये करेंगे चौदह प्लस तीन के सत्रह, सत्रह प्लस एक करेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे अठारह हो जाएंगे। तो जहां कहीं भी आपको अठारह दिखे उसी पे क्या कर देना है, आपको टिक कर देना मेरे दोस्त। देखिएगा मैंने आज की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया, आज की क्लास में हमने देख लिया आयतों की गिनना, आयतों की गिनना हमने सीख ली है, इसके अलावा वर्गों की गिनना हमने सीख ली है, त्रिभुजों की जो गिनना है वो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सीखेंगे। और ये ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए मेरे दोस्त, त्रिभुजों की गिनना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने कहा क्लास के स्टार्टिंग में, क्लास के शुरुआती समय में कहा कि 50% जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, आपके काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुजों की गिनना से पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।